आईटी स्पोर्ट हिंदी और मैं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड कोलाब मैनेजर के बारे में। ब्रांड कोलाब मैनेजर में हम बात करेंगे किस तरह आप प्रोजेक्ट ब्रीफ बना सकते हैं। अब काफ़ी दोस्तों का क्वेश्चन आया था सर कि सर हम किस तरह प्रोजेक्ट ब्रांड कोलाब मैनेजर में दे सकते हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं और मेरी एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि किस तरह आप दूसरों से प्रोजेक्ट ले सकते हैं ब्रांड कोलाब मैनेजर के थ्रू। फ्रेंड चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आप सबसे बात करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड अब आते हैं हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सेटिंग के अंदर जाके आपने जाना है। यहाँ पे सेटिंग के ऊपर मैं क्लिक कर चुका हूँ। अब सेटिंग के ऊपर क्लिक करने का आप ब्रांड कंटेंट के ऊपर आएंगे और साथ ही साथ आप ब्रांड कोलाब मैनेजर में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड ये ब्रांड कोलाब मैनेजर का होम पेज के ऊपर मैं आ गया हूँ। तो ये होम पेज है ब्रांड कोलाब मैनेजर का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अब ऑलरेडी दो प्रोजेक्ट एक वीडियो और एक फ़ोटो अपलोड की है किसी की, तो उनके थ्रू मुझे कुछ पेमेंट मैंने जनरेट की है ब्रांड कोलाब मैनेजर के थ्रू। तो मेरा कैसे उनसे कॉन्टैक्ट हुआ, वो कैसे मैंने प्रोजेक्ट लिया, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जैसे कि मैंने आपको बताया, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब मैंने एक दो प्रोजेक्ट ब्रांड कोलाब मैनेजर के थ्रू किसी को दिए भी थे, तो जिससे मेरे पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फोटो या उस इन्फॉर्मेशन को देख के जो मैंने वीडियो उन्हें दी है या फिर जो मैंने फ़ोटो दी है उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज को आईटी स्पोर्ट के। तो आप बात करेंगे कि किस तरह आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं ब्रांड कोलाब मैनेजर के थ्रू। देखिए फ्रेंड इसमें आती है एक प्रोजेक्ट ब्रीफ। हर एक प्रोजेक्ट की एक प्रोजेक्ट ब्रीफ होती है। जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट देना चाहते हैं किसी को, किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट हो, तो उसकी एक प्रोजेक्ट ब्रीफ बनानी पड़ती है। तो अब थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये 5000 आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये इजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपका कम से कम 5000 से बेशक एक तक पहुँचे, बट एक होना चाहिए तभी आपका प्रोजेक्ट पोस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। कभी काफ़ी ज़्यादा रूल है, रेगुलेशन इन्होंने दी हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे हैंडल कर रहे हैं और आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह है और किस तरह के आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो सबमिशन डेडलाइन, इसका मतलब यह है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी लास्ट डेट की क्या होगी। तो मैंने दी हुई है 30 दिसंबर। अब ये प्रोजेक्ट शुरू कब होगा और एंड कब होगा इसके बारे में है। ये प्रोजेक्ट होगा 6 जनवरी को स्टार्ट हो, 13 जनवरी को ख़त्म। अब इसकी जो रेंज है, मतलब कि कितने रुपये का प्रोजेक्ट है, ये है 5000 से लेके $1000 तक का प्रोजेक्ट मैं लगा रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट टाइप क्या है, प्रोजेक्ट टाइप ये होता है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि ये पोस्ट टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पोस्ट टाइप क्या है कि आप किस चीज़ के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं। आप कोई वीडियो देना चाहते हैं लाइव, कोई वीडियो को आप वायरल करना चाहते हैं किसी के पेज के ऊपर आके, फोटो है, टेक्स्ट है या लिंक है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो के ऊपर आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो दी थी किसी पेज को जिनके थ्रू मेरे पेज के ऊपर पेज लाइक आए हैं, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को क्लिक कर दिया कि मैं एक वीडियो दूंगा, उसके ऊपर आपको एक पोस्ट डालनी पड़ेगी अपने पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर वो वीडियो दे रहे हैं और ये वीडियो का टॉपिक क्या है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन क्या है। तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। पहले तो आप वीडियो के बारे में बता सकते हैं कि ये मेरी वीडियो है, मैं इस वीडियो में ये करना चाहता हूँ, लाइक ऐसे लाना चाहता हूँ, ये वो कुछ भी आप देना चाहते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें ये होता है कि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऊपर 500 से लेके 1000 रुपये का बजट रखा है, आप बजट कुछ भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे $5 से लेके $10 तक का बजट सेट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ये होता है कि $500 से $1000 मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिया। ये होता है कि आपकी वीडियो कितनी बार डलेगी उस पेज के ऊपर। आप भी एक सेटअप बना सकते हो कि मेरी वीडियो 25 बार इस डेट में आपके पेज के ऊपर आएगी और आपने ये वीडियो को ऐसे ऐसे करके अपलोड करना है। तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। अब बात करते हैं आगे डिस्क्रिप्शन के बारे में। आप लिख सकते हैं हेलो सर प्लीज़ पोस्ट दिस वीडियो इन योर पेज। ये मैंने एक ऐसे ही डमी लिख दिया है
कि आपको बताने के लिए कि आपको कुछ लिखना पड़ेगा वहाँ पे, आप वीडियो के ऊपर या फोटो के ऊपर या लिंक के ऊपर जो भी आपका कंटेंट है उसे यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, और साथ ही साथ उसे आगे क्योंकि जो बंदा आपकी पोस्ट पढ़ेगा उसे पता लग जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो फ्रेंड अब थोड़ा सा हो नीचे चलते हैं। अब ये है पोस्ट सैंपल। आप सैंपल दे सकते हैं कि आपकी वीडियो को पोस्ट इस तरह करना है, आपके टेक्स्ट को पोस्ट इस तरह करना है, आपके लिंक को पोस्ट इस तरह करना है। आप उसका लिंक पोस्ट यहाँ पे सैंपल दे सकते हैं। आप टाइप दे सकते हैं जैसे कि क्रिएटिव, पब्लिक या मीडिया। मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप कोई भी टाइप ना चूज़ कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा बेटर रहेगा। आप दोनों को मौका दीजिए कि कौन सी आपको अच्छी बिड देता है, और अच्छी बिड देने का मतलब है कौन सा कम से कम पैसों में आपकी पोस्ट को ज़्यादा वो करता है। अब आती है एज की बारी। तो एज में आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो 18 साल से लेकर 44 साल तक के पर्सन ज़्यादातर देखते हैं, पर बेसिकली जो ज़्यादा है रेंज वो है आपकी 18 साल से लेकर 34 साल तक के लोग ज़्यादातर वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं। नहीं तो आप 44 साल तक भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ तक जाना है। अब है जेंडर। जेंडर में आप मेल फीमेल दोनों को रखें। अगर आपकी भी प्रोडक्ट मेल के बारे में तो ओनली मेल रखें, अगर फीमेल के बारे में प्रोडक्ट है तो फीमेल रखें। अब चलते हैं आगे। आप क्या चाहते हैं कि आपकी वीडियो वो किस कैटेगरी में आए, किस टॉपिक के ऊपर आए हो, कौन से टॉपिक है जहाँ पे आप अपनी वीडियो को पोस्ट करना चाहते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो मेरी वीडियो है फिटनेस के ऊपर है, मैं ये कहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट जो है या जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो फिटनेस के ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हो वो फिटनेस के ऊपर जाए और फिटनेस वाले लोग इसको ज़्यादा लाइक करें, या फूड वाले लोग इसे ज़्यादा लाइक करें, या फूड के चैनल में इसके ऊपर ज़्यादा बिड करें। आप यहाँ पे उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली वन बाय वन, जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इनमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपकी मर्जी है कि आपने सेलेक्ट नहीं किया। अब बात करते हैं आके। अब आपकी वीडियो है तो आप वीडियो कर दीजिए। अब लोकेशन आपने इंडिया में मैंने दे दी है, आप चाहते हैं कि इंडिया में आपकी वीडियो को ज़्यादा वायरल किया जाए, अगर आप कनाडा चाहते हैं, अमेरिका चाहते हैं, आप फाइंड कर दीजिए और लिख दीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे है फॉलोजेनिट, मतलब कि आप कितना चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर कितने लोग आए, फॉलो करें आपको, तो आपको यहाँ पे लिख दीजिए कि 20 बंदे मुझे चाहिए, मेरी एक पोस्ट के ऊपर मुझे कम से कम 20 बंदे चाहिए जो मुझे फॉलो करें ही करें। अब आगे चलते हैं। आगे है रेच, वैसे ही आ जाए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से ऊपर किया था। इसके बाद जेंडर, जैसे कि मैंने पहले कर चुका हूँ, जेंडर को सेलेक्ट एंड देन बी इंडिया, आपने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। देखिए फ्रेंड बस इतना ही काम करना होता है आपने पूरे के पूरे इसमें। अब मेन है आपके प्रोजेक्ट का नाम, आप प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाहते हैं। आप दे सकते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, या फिर आप अपने प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिया है वो फिटनेस लिया है, तो आप फिटनेस दे सकते हैं, जैसे कि फूड, फूड लिख दिया, फूड के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट है तो हम यहाँ पे फिटनेस को काट देते हैं और फूड रख लेते हैं। तो आप फूड के ऊपर दे सकते हैं कि कल्ला आपका फूड के ऊपर प्रोजेक्ट है, आपने फूड के ऊपर बेस करके इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जो मेरे पॉइंट है यहाँ पे अब 14 हो गए हैं, इजिबिलिटी 14। अब इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे नेक्स्ट किया तो मेरा ये प्रोजेक्ट जो ब्रीफ है ये ऑटोमेटिकली सेव हो गई है मेरे इस पे प्रोजेक्ट ब्रीफ के अंदर। तो इसके ऊपर लोग मुझे बिड करेंगे, बिड करने का मतलब है कि लोग इसके ऊपर मुझे बताएंगे वो कि कितने पैसे लेंगे इस प्रोजेक्ट को हम अरे उस पे दिखाने के लिए। जब मैं जाकर दोबारा जाकर प्रोजेक्ट ब्रीफ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा प्रोजेक्ट अभी ड्राफ्ट के अंदर पड़ा है। अभी थोड़ी देर बाद इसे अप्रूवल लग जाएगा और ऐसे ही ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद लोग इसके ऊपर बिड करेंगे, जैसे जैसे बिड लगती रहेगी वैसे वैसे मुझे मैसेज या ईमेल के थ्रू लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, और ईमेल के ऊपर जैसे ही वो मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही मैं उनसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर या वीडियो के ऊपर और ज़्यादा डिस्कस कर सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ या फ़ोन के ऊपर बात कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करके मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग या ज़्यादा से ज़्यादा व्यू चाहिए इसके ऊपर। फ्रेंड इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप IT सपोर्ट के हिंदी के पेज के ऊपर आ सकते हैं। आप यहाँ पे आके मुझे मैसेज पे बात कर सकते हैं,
इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके और इस लिंक पे आइए और मेरे से जितनी हो सके इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। मैं हर समय 24 आवर इस पे रहता हूँ, आपको जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं हर बंदे को